अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने फ्लॉक की वैक्सीनेशन के लिए इस तरह की सिरिंज इस्तेमाल करते हैं तो आपको बाज़ औक़ात इसे दो मकासद के लिए खोलना पड़ता है। एक, या तो इसमें किसी किस्म की ब्लॉकेज हो जाए, गंद कचरा फंस जाए, और दूसरा, एक वैक्सीन करने के बाद अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके दोबारा पैक करने के लिए, ताकि अगले फ्लॉक की या उन्हीं चिकन्स की दोबारा से वैक्सीन करें तो इसमें किसी किस्म की पिछली वैक्सीन की बाकियात ना चली जाएँ। एक एक हिस्से को, एक एक पोर्शन को इस तरीके से ओपन करना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। जैसे ही इसके कुछ हिस्से आप खोलते हैं, उसके अंदर छोटा सा स्प्रिंग, एक छोटी सी बाल जिसे छोटी सी गोली का नाम देते हैं, वो भी चीज़ें मौजूद होती हैं। बगौर एहतियात से उन्हें ओपन कीजिएगा और उनको हॉट बॉइलिंग वाटर गर्म पानी में डालें ताकि अच्छे तरीके से उनकी स्टरिलाइजेशन हो सके। ये वो पाइप है जिसके ऊपर निशानात लगे होते हैं, कैलिब्रेशन होती है कि कितने सीसी, कितने पॉइंट आप अपने चिकन्स को वैक्सीन इंजेक्ट करने जा रहे हैं। इनको भी उतार के, इसके ऊपर वाला कवर उतार के, फिर ये बीच में से ये हिस्सा आप उतारते हैं और उसके बाद बाकी की सारी मशीन ओपन हो जाती है। इस सिरिंज के सारे पार्ट्स को अलहदा करके जब आप किसी ऐसे मटीरियल में डालते हैं कि जिसमें जरासीम कुशी की अच्छी ताकत हो, तो इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई बाकियात होती हैं उस वैक्सीन की जो भी आपने इसके ज़रिए की है, तो वो फौरी तौर पे ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। गर्म पानी से अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद, उसके बाद आप इसे सादा पानी से अच्छी तरह से वाश करते हैं, फिर उसको खुश्क होने देते हैं, और खुश्क होने के बाद दोबारा सारे पार्ट्स को जोड़ देते हैं। ये वो एक्स्ट्रा किट है कि जिसके अंदर स्प्रिंग मौजूद होगा, बाल मौजूद होगी और बाकी चीज़ें। ये उनका पूरा का पूरा पोर्शन होता है, डब्बा होता है कि जिसमें हम इसको रखते हैं। साइड पे एक पाइप और पाइप के आगे की जनब छोटी सी नली, ये आप डालते हैं उस वायल के अंदर जिससे आपने वैक्सीन बाहर निकालनी होती है। इस तरह से सारे के सारे पोर्शन को आप साफ़ सुथरा करके फिर से आप इसे सादा पानी से धो के आप इसको सनलाइट में रखते हैं। उसके बाद आप जब देखते हैं कि सारे के सारे पोर्शन ड्राई हो चुके हैं, सब हमारे पास पार्ट्स सलामत हैं, तब आप एक एक करके सबसे पहले ये पिछला हिस्सा आप अपने हाथ में पकड़ते हैं। इसके साथ दो पार्ट्स होते हैं, पहले इसके ऊपर स्प्रिंग लगा के, फिर दूसरा पार्ट इसके ऊपर अटैच करके, इसके साथ नेक्स्ट फिर प्लंजर अटैच करते हैं। इन चीज़ों को आपस में जोड़ते वक्त एहतियात से काम लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती किसी हिस्से के डैमेज का बायस बन सकती है, ऐसा परमानेंट डैमेज, क्योंकि इसके ज़्यादातर स्पेयर पार्ट्स आपको मार्केट से दस्तयाब नहीं होते। ये आपको 12,000, 14,000, 18,000 की कीमतों में मिलती है। सेकेंड हैंड जो यूज्ड होती हैं वो आपको ज़रा सस्ती मिल जाती हैं। ख़ास तौर पे जिस वक्त आपने शीशे का ये पाइप इसमें डालना है और उसको आपने एडजस्ट करना है, तो उस स्टेज के ऊपर अब आपको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। यहाँ पे किसी किस्म की आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना। सारे के सारे पोर्शंस को एक दूसरे से अटैच करने के बाद एंड पे आके आप इसके पाइप को देखते हैं कि उसमें अंदर की जानब किसी किस्म की कोई बाकियात तो नहीं मौजूद। हमने उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। स्टेरिलाइजेशन करना उन इक्विपमेंट्स की, उन साजो सामान की जो आप अपने चिकन्स पे यूज़ करते हैं, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि बाज़कात बीच में अगर कोई इन्फेक्टेड बर्ड, इन्फेक्टेड चिकन आ जाता है, उसके साथ ये सिरिंज लगती है, ये नीडल, ये सुई, ये बाकी हिस्से लगते हैं, तो वहाँ से इन्फेक्शन दूसरे चिकन्स में आगे मुंतकिल होने के पूरे चांसेस होते हैं। उन चांसेस को हमने मिनिमाइज़ करना है, कम से कम करना है, ख़त्म करना है। उसके लिए आपको इस सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया है। इसके अलावा आप पोस्टमार्टम के लिए कैंची इस्तेमाल करते हैं, अपने चिकन्स को पकड़ने के लिए कोई दूसरे साजो सामान इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी भी बाकायदा तरीके से जरासीम कुशी कीजिएगा, स्टरिलाइजेशन कीजिएगा। जैसे ही वैक्सीन करते हैं, वैक्सीन आपके पास पहुंचने से पहले पहले आपके पास जो भी इंजेक्टर है, जो भी वैक्सीनेटर है, उसको बेहतरीन तरीके से आपने इस तरीके से साफ़ सुथरा करके फिर उसके बाद यूज़ करना है। छोटी छोटी नीडल्स जो आप उन वायल्स के ऊपर लगाते हैं या नीचे की जानब उसको लगाते हैं, एडजस्ट करते हैं, उनको भी अलहदा से साफ़ सुथरा करके फिर उसमें वैक्सीन का इस्तेमाल करवाइएगा, फिर उसको अपने चिकन्स तक पहुँचाइएगा। अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।